हेलो व्यूवर्स, एनीस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी। ये रेसिपी मैं स्पेशली उन लोगों के लिए लाई हूँ जिनको कस्टर्ड पाउडर का फ्लेवर पसंद नहीं आता है। आप इसको बनाइए, फ्रिज में रखिए और ठंडा ठंडा परोसिए। कोई बता भी नहीं सकता कि इसमें कस्टर्ड पाउडर नहीं मिलाया है, क्योंकि ये इतना टेस्टी, गाढ़ा और क्रीमी बनता है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना मैंगो कस्टर्ड। आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको रेसिपी की पूरी जानकारी और सही जानकारी मिले। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना कस्टर्ड पाउडर के मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 पके हुए आम। ये दशहरी आम है, आप अपनी पसंद का कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आम को छीलेंगे, छिलका इसका निकाल के अलग करेंगे और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसको प्यूरी करेंगे। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और काट लेते हैं, साइड से भी निकाल लेते हैं। मैंने दोनों आम के छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसको हम मिक्सी में डाल के इसको प्यूरी करेंगे। ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्रीमी प्यूरी बना है। अगर आपको लगता है कि आपके आम में थोड़ा रेशे हैं या फाइबर हैं तो आप इसको छान सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक पैन गरम करते हैं और इसमें हम ये प्यूरी डालेंगे और इसको हम पकाएंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन बराबर इसको चलाते रहना है। सात मिनट हो चुके हैं और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी घट गई है और इसका पानी भी काफ़ी कम हो गया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं फ्लेम को और इसको पूरी तरह से ठंडा करेंगे। मैंगो पल्प बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको हम एक बड़े बोल में शिफ्ट करते हैं। अब हम इसमें डालते हैं 2 कप दूध। ये फुल क्रीम दूध लिया है मैंने और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पिसा हुआ चीनी और 1 कप कंडेंस मिल्क। और अब हम इसको अच्छे से चौन करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, देखिए। और ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्रीमी बन गया है। अब इसको हम 2.5 से 3 घंटे तक ढक के फ्रीज़र में रखेंगे। ये मैंने 2 घंटे के बाद फ्रीज़र से निकाला है, देखते हैं। देखिए गाढ़ा हो गया है। आप इसको और थोड़ी देर रख सकते हैं, लगभग 1 घंटे और 3-3.5 घंटे तक रखिए, तब ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें फ्रूट्स मिलाते हैं। मैंने यहाँ पे मैंगोज़ और केलों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि मुझे इसके साथ यही वाले फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। कस्टर्ड भी क्रीमी और साथ में फ्रूट्स भी क्रीमी। आप चाहें तो कोई और फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड।
ये देखिए बिना कस्टर्ड पाउडर के भी कितना थिक और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा मिला देते हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं कस्टर्ड। ये देखिए है ना, देखने में भी कितना यम्मी है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। ये हमारा मैंगो कस्टर्ड बनकर तैयार है खाने के लिए। आप भी इसे बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।